नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ये हैं मधुसूदन भाई, ये चेन्नई से वहाँ की स्पेशल मछलियाँ स्पेशल डिश के लिए मंगवाते हैं, जो कि मलेशिया में बहुत मशहूर है, मिट्टी के मटके में मछली का सालन। यहाँ का मशहूर एरिया ग्रेट फील्ड, जिसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट फेमस है। ए शिवाजी सर, टीवी में जो मच्छी खा रहे वही हम खाने वाले है ना? सत्या भाई, उस टेबल पे एक सूप दे दो। क्यों रे, बाहर कस्टमर इंतजार कर रहे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये जो मच्छी धोने का काम है आपको शोभा नहीं देता भाई। अरे मेरे हाथों में जादू है, इसीलिए तो लोग आते हैं ना। रुकने दे। चाकू करना चाहता है ना? ठीक है भाई। और सुन, ये एक उबाल में ही मछली निकाल लेगा वरना टूट जाएगी। ठीक। ये है कार्तिक, मधुसूदन का बेटा, एमएल कॉलेज का स्टूडेंट। ये है स्टीवन, कार्तिक का प्रतिद्वंदी, केएल कॉलेज स्टूडेंट। दोनों की कॉलेज की 15 साल की दुश्मनी है। झगड़े का कारण थी एक लड़की, और आज भी कार रेस का कारण है एक लड़की, पवित्रा। बेटी मुझे जरा लिफ्ट दोगी? नो प्रॉब्लम, आइए आइए। क्यों, क्या हुआ, डर गई क्या? चलो रेस लगाओगी? स्टूपिड, गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बन रहा है तो तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रही हो? छी, डर्टी फेलो, अगर हिम्मत है तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड के साथ रेस लगा के दिखा। चैलेंज चैलेंज। Thank you.
करो जल्दी उसका। देखो बच्चा भाग रहा है गाड़ी। हाँ देखो जल्दी करो, इधर क्या है? चलो 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 जल्दी होगा, उधर क्या होगा, चलो जल्दी। ओह ये तो अपना होटल है, पापा ने देखे थे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सब लोग ठीक है ना? अरे आज चेन्नई की फ्लाइट थोड़ी लेट थी इसलिए मच्छी लेट आई, इसलिए मच्छी का सालन बनने में भी लेट हो रहा है। पिछले 10 सालों से आपने हमारा साथ दिया है, हमारी मछली का सालन आपने हमेशा पसंद किया है। एक विनती करता हूँ, मिट्टी की हाड़ी में हम जो ये मच्छी का सालन बनाते आए हैं, आज आपको वो मछली का सालन हमारी तरफ से टोटली फ्री। ब्रो यही मछली का सालन है क्या? जी। वाओ सुपर। मालिक जी आप चेन्नई से हो क्या? जी हाँ मैं चेन्नई से हूँ। क्यों लड़की का करियर जरूरी नहीं है क्या? लड़कों को नौकरी करो कहते हैं और लड़की अपने पैर पे भी ना खड़ी हो। हाँ वो आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम्हारे ससुर मेरे पापा ने फोन ले लिया था क्या? डैडी बेटा अपने पति से ऐसे कौन बात करता है? बड़े आए अपने आप को समझाने वाले, वो मालिक है तो मैं उनसे बड़ी मालकिन हूँ। वो कलेक्टर बनना चाहते थे और मैं फॉरेन में नौकरी करना चाहती थी, इतने सालों में कोई पूछने आया जो पूछ रहा है? मैं हूं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन भी कमाल है, मेरी लाइफ पे क्या सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो समझी, लेकिन मेरे बच्चों पे मेरा अधिकार है, मैं उनकी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, समझ गई? तुम्हारी तो ये अधिकार तो बाप से ज्यादा माँ का होता है, ध्यान से सुन लो। इतने छोटे कपड़े पहन के पैर ऊपर रख के बैठी, अगर इसकी तमीज नहीं है तो जाए यहाँ से। बहुत फर्क है, बच्चे कौन से देश से हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि किसके साथ रह रहे हैं ये जरूरी है, समझे? वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। वही तो डर है। तुम्हारे घर की लड़कियों से अच्छी परवरिश दे रही हूँ मैं, कह देती हूँ। मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ, इसी वजह से हमारे बीच में इतनी दूरी हुई है, इसे परमानेंट मत होने देना। किसका फोन है? किसका फोन है? क्या हुआ तुम्हें? फ्रेंड का फोन है। क्या हुआ तुम्हें? मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी रखती हूँ फोन। ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसका नाम नहीं आ रहा है? देखो ना अपना फोन। मालूम नहीं माँ। ओह कितने सारे दोस्त है तुम्हारे कि नाम तक याद नहीं है तुम्हें। इधर देखो अभी तुम्हारे बाप का फोन आया था, तुम लोगों के फ्यूचर को लेकर तुम्हारे बाप से झगड़ रही थी मैं। ए इधर दे फोन, इधर दे फोन। माँ प्लीज। देखो कान खोल के सुन लो, व्हेन द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मेरे साथ साथ बोल रही है पापा। छोटी है अभी। देखो इन्हें, इधर आ गधे की औलाद, इधर आ फोन दे मुझे और जाके पूरे कपड़े पहन कर आओ। आगे से ऐसे ऐसे कपड़े पहने तो छोड़ूंगी नहीं। यस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माय गॉड स्टॉप इट, तुम यहाँ आए कैसे? अरे वो बालकनी से आया। बालकनी से आए? यस माँ ने देख लिया तो मार डालेगी, तुम यहाँ क्यों आए? अरे थैंक्स लेने आया हूँ। थैंक्स? और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए केएल कॉलेज से झगड़ा मोल लिया, कार रेस लगाई, इतना रिस्क उठाया और ना तुमने कॉल किया और ना ही मुझे थैंक्स बोला। इतनी गलतियाँ खुद करती हो और मुझसे पूछ रही हो क्यों आए? रात के 10 बजे कोई थैंक्स कहने के लिए बालकनी से आता है क्या? ये क्या है? डोसा। इतना पतला क्यों है? इसको तवे पे डालोगे डोसा बन जाएगा। ठीक है एटलीस्ट थैंक्स तो बोलो, बियर मेरा वेट कर रही है। नहीं बोलूंगी तो जाएगा नहीं। ओके थैंक्स। ठीक है थैंक्स। जाओ देगा इसने मुझे थैंक्स का। आप बाहर आ जाओ तुम लोग। हाय पवी। तुम्हारी तो जी लो बकाओ जी लो।
पार्वती पते हर हर महादेव, शंभव शिव शंकर हर हर महादेव, गिरजा पते हर हर महादेव, महादेव शिव शंभव। पापा का रूप है तो रात भर नाचना दिन भर है सोना, यही मेरी दुनिया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। रोज रोज मच्छी का सालन पूरे घर में है, मैं की ये खुशी। गुड मॉर्निंग पापा, मेरा टिफिन रेडी है क्या? रेडी। अरे भाई कल रात को बहुत जाग लिए ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली। पापा कल रात का सालन है तेरे लिए। देख कल रात का सालन तेरे लिए बचा के रखा है। पापा ये कल का है क्या? मैं जो गाना गा रहा था। अरे मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ए गोल्ड इज गोल्ड,
मच्छी का सालन बासी अच्छा लगता है। तुझे पता है मेरी दादी ने एक बार दो दिन बासी मच्छी का सालन मुझे खिला दिया था। ऐसा टेस्ट था कि मुंह में अभी तक पानी है। ये ले इडली के साथ खा। और ले और ले। पापा मुझे नहीं चाहिए। पापा प्लीज खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए पापा। बैठो बैठो। बहुत दिन हो गए हमने बैठ के आराम से बातचीत नहीं की है, आज कर सकते हैं? फिर से शुरू हो गए। अरे बाबा तेरे कॉलेज में क्या हो रहा है तू मुझे बता दे, मेरे होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। चलो शुरू करो। कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा लेकिन होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। कल होटल में एक लड़का आया था पूरा पागल था। पापा प्लीज मेरे लिए एक डोसा बना दो ना। डोसा खाना है बेटा? हाँ ठीक है तू यही बैठ मैं डोसा बना के लाता हूँ। हाँ बैठे रहना। अभी बन जाता है डोसा। अरे पता है कल फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट लेट हो गई, फिर मछली भी आने में लेट हो गया, कस्टमर कर रहे चिल्ला चिल्ली, फिर क्या था तो दे दी तो उनमें से एक चीनी चिल्लाने लगा बाप रे बाप, ऐसी मुसीबत आई गले में कांटा फंस गया था। उसकी बीवी परेशान हो गई, कहने लगी प्लीज कॉल द डॉक्टर सेव माय हस्बैंड। पता है अरे बेटा बेटा अरे बेटा अरे कहाँ चला गया बेटा, अरे रुक तो, अरे डोसा बन गया बेटा, अरे रुक जा खा के तो जा बेटा, अरे चुछ चुछ बेटा। भाई साहब कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? अरे नौकर रखा तो भाभी बाप बेटे के बीच दरार आ जाएगी। और शादी हो गई तो? अरे शादी होने दो ना, बेटे के साथ बहू को भी संभाल लूंगा। बच्चे के बच्चे हुए तो? अरे होने दो, चार चार बच्चे हो जाए तो भी संभालूंगा। अरे भाई अपने पे भी जरा ध्यान दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? आपकी मूल्यवान सलाह का धन्यवाद। I'm very sure that you all have heard about law. What kind of law do you know? It is not that only this department has to know about law. Every country in the world, according to the rights of the people. Excuse me. Sure. Idiots. Stupids. Don't you have any sense? Who did the car race yesterday? With the KL college students? पुलिस की तरफ से हमें वार्निंग आई है, इसी क्लास में से है वो, बेहतर होगा खुद ही बता दे। और आई एम सस्पेंडिंग द होल क्लास। कम ऑन। आई नो मैडम। इसको भी अभी आना था। कम हियर। कार्तिक तू तो गया काम से। Who is the culprit? वो रहा मैडम। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वही ग्रे शर्ट में। ए, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? देखो मर गए। वीडियो देखो। झूठ बोल रहा है। देखिए मैडम ये रहा सबूत। कार्तिक तू तो गया काम से, अब तेरा क्या होगा? जय जय राम की जय जय हमारे जमाने में रामायण महाभारत पढ़ाते थे इस उम्र में, और आजकल के बच्चे हे भगवान। गेट अप कार्तिक। यस मैम मैंने ही किया था, पर उसका एक रीजन है। वो क्या? इंडिया के दो महान ग्रंथ है, एक रामायण और दूसरा महाभारत, और दोनों ग्रंथों का कारण लड़कियों की इज्जत से जुड़ा था। अब हमारे कॉलेज की लड़कियों की केएल कॉलेज से अनबन हुई, जिसकी वजह से मुझे कार रेस करनी पड़ी। मेरे रहते हुए हमारे कॉलेज की लड़कियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इज्जत का सवाल था मैडम, इज्जत का। थैंक यू। बड़ा है इज्जत बचाने वाला। थैंक यू जैनी मैडम। महाभारत में कृष्ण थे और यहाँ पर मैं, बात खत्म। वेरी गुड महाशय। थैंक यू। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। क्यों बेटा? फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप और मैं, देखते हैं। थैंक यू मैम। फॉर व्हाट? नहीं मतलब ये सब किस लड़की की वजह से हुआ ये जाने बिना आपने मुझे पनिश कर दिया, उसके लिए थैंक यू। हु इज शी? और कौन हो सकता है मैम, ये पवित्रा। पवित्रा मैम, इज दिस ट्रू? यस मैम, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट। द बोथ ऑफ यू सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। गेट लॉस्ट मैम। यस कार्तिकेय नमो नमः। नमस्कार सर, अभी खाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर खाना खाने नहीं, किसी को पकड़ने के लिए आए। किसको सर? हाँ वो। सर ग्राहक भगवान समान होता है, उसे यहाँ अरेस्ट करेंगे तो धंधे पे बुरा असर पड़ेगा, उसका खाना खाना हो जाए फिर आप बाहर अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं। ए बच्चा इधर आ। क्या बात है मालिक? वो पिंक शर्ट वाला खाना खा रहा है ना, जैसे उसका खाना हो जाए उसे ये फेस बल्ब दे देना। चल जा जल्दी। उसको देना है? चुप चुप चुप, बोला है।
पुलिस यहाँ पर क्यों आई? पल्प लेके आया हूँ, खाने के बाद हम सबको देते हैं। पल्प दे दिया तुमने, बहुत जल्दी में हो तुम। हाँ अभी आया सर। क्या बात है सर? ये सब क्या है, मेरे लिए इतनी सिक्योरिटी? देखो मैं आपके होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ, खाने दो मुझको, भगाओ उनको, जाओ। हमें लगा आपको कुछ और चाहिए होगा सर। सुनो आगे से ऐसा हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। माला दीदी क्या चल रहा था यहाँ? वो क्या ना दीदी, यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए आया था, खाना खा के तो हो गया, अब चलता हूँ। एक कॉफी। कारीगर नहीं है? कारीगर है मैडम, मालिक ने ऑर्डर लिया, इनको आज हुआ क्या है? नमस्ते सर। आजा आजा, तेरा इंतजार था। लेकर जा रहे हो सर खाने? ये बच्चा, कॉफी तैयार हो गई? मैडम को दे। मैम कॉफी। वंडरफुल। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कॉफी कभी नहीं पी थी। कॉफी किसने बनाई है? सुना मालिक? हाँ मैम बुला रही है। हाँ हाँ आया। मैम इन्होंने ही बनाया। नमस्कार। नाम क्या है? कुंभकोणम स्ट्रॉन्ग कॉफी मैडम। मैंने आपका नाम पूछा। मधुसूदन मैडम। गुड मिस्टर मधुसूदन। बहुत बहुत थैंक्स मैम। इस कॉफी से आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया, अब आपकी इस कॉफी से मैं सबको इम्प्रेस कर सकती हूँ। आज के बाद जब भी मैं यहाँ हूँ मुझे हमेशा ऐसी ही कॉफी मिलनी चाहिए। ओके मैडम। और आपकी ये कॉफी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। थैंक यू मैडम। ये लीजिए पैसे। मैम ये मालिक है, मैं नौकर हूँ। थैंक यू। ओह आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? हाँ जी। आपको देख के लगता नहीं है। आई वंडर अबाउट यू। ओके सी यू। जी आइए। मिस्टर मधुसूदन। जी जी मैडम। जी मैडम। आई लाइक यू। अब तो मालिक की लॉटरी लग गई। क्या हुआ यार? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पापा को बुला रहा हूँ। बेटा पापा, मुझे बांधने की क्या जरूरत थी? ये देखो पवित्र गोमूत्र, इसे बस पीना है। पीना है? नो चांस। नो चांस बोलने का कोई फायदा नहीं, पापा ने बोला है। नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, अरे दूर रखो मुझे। अब ये गोमूत्र नाक से बाहर निकाल तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे। अब शराब नहीं पिएगा ना? शराब पिएगा तो ये सारा गोमूत्र तुझे पूरा का पूरा पिला दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा है ना, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। वेरी गुड बॉय। मेरी मदर टेरेसा, अंदर चलो, रेस्टोरेंट में सब वेट कर रहे हैं। चलो चलो। हाय हाय। बर्थडे बॉय कहाँ है? किसका बर्थडे? कार्तिक। उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है पता है ना तुझे? हाँ यार आज कार्तिक का बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो। स्टूपिड, ऐसे इंसान का बर्थडे मैं कभी नहीं मनाऊंगी। चल बाय। ए बस यही थी तुम्हारी फ्रेंडशिप? हाँ मैं हो रही हूँ सेल्फिश, पर मैं उस लड़के का बर्थडे कभी नहीं मना सकती। उसने तुम्हारे लिए कार रेस लड़ी थी और एक तुम हो जिसने उसे थैंक्स तक नहीं कहा। देख उसने कार रेस की ये तो ठीक है, भले अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कोई करता है जो उसने किया। ए स्टॉप इट,
यहाँ पर सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं एंजॉयमेंट के लिए, समझे? ओके, तुम सब एंजॉय करो। उसका कैरेक्टर समझ नहीं आता है, एक तो किसी की तकलीफ में उसकी हेल्प करना, फिर उसके साथ मजाक करना, और दूसरा कैरेक्टर उस मजाक में एंजॉयमेंट भूलना। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनको भी हाय कहो। ये है कार्तिक का कैरेक्टर। हाँ पापा, आता हूँ ना पापा। कार्तिक आ ही रहा है, बाकी तैयारी करो तब तक। यार केक कहाँ है? हे डूड, केक दूसरी टेबल पे रखा है। ए, उसे तो कुत्ता खा रहा है। ए, ए, ए। आज इस कुत्ते का बर्थडे है और कार्तिक का भी। ए, क्या बोल रहा है तू? मार खाना है क्या? ए, 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 क्या हो रहा है? अरे, आज के दिन तो बच्चे हमारे करते हैं। यार झगड़ा करते रहते हो। गुस्से में देख रहा है। क्यों? इतनी देर हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहा है बेटा। कार्तिक को आने में देर हो जाएगी, आप ही केक काट दीजिए और गिफ्ट बांट दीजिए। केक काटिए सर। ठीक है, बहुत देर से सब वेट भी कर रहे हैं। हाँ चलिए। Many more happy returns, Kartik. तुम गिफ्ट लेके नहीं आई? मुझे नहीं पता था यार कि आज इसका बर्थडे है। मेरी सिस्टर के बर्थडे पर कार्तिक ने भी बहुत सुंदर गिफ्ट दिया था। कार्तिक ने तुम्हारी बहन को? हाँ, वो तो बहुत प्यारा इंसान है और लड़कियों को तो हर प्रॉब्लम से निकालता है। क्या हुआ, मुझे देखकर क्या सोच रही हो? कैसे इंसान हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry. It's okay. ये stop, stop. इस मॉल के पास रुकना प्लीज। तुम दो मिनट रुको, मैं भी आई हूँ। बस बस ये रुको। Happy birthday. Thanks. देखने से तो लग रहा है ये कोई स्पेशल गिफ्ट है। हाँ, स्पेशल तो है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गाड़ी संभाल के चलाना। हाँ बिल्कुल, आराम से जाऊंगा। बाय बाय। अरे यार पापा, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। पापा मुझे कहीं जाने का मूड नहीं। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो जल्दी। क्या पापा, चलो जल्दी। प्रणाम पंडित जी, पूजा करवानी थी। प्रभु बेटा, आज के जमाने में विदेशों में रहकर अपना होटल यहाँ चलाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। रिसेप्शन अलग से, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सच में एक बाप होना भी इतना आसान नहीं होता है। पापा, पापा, पापा। हाँ क्या हुआ बेटा?
मेरे कबर्ड के सारे कपड़े कहाँ गए? अरे बेटा धुलने गए सारे कपड़े। अब मैं क्या पहनूं? अरे सुनो, वो टेबल पे ब्लू ड्रेस रखी है वो पहन लो। पापा वो वेडिंग सूट है, वो कैसे पहनूं? अरे पहन तो लो बेटा, बहुत हैंडसम लगोगे उसमें तुम। अरे पापा वेडिंग सूट पहनकर कॉलेज थोड़े ही जाते हैं। अरे बोल रहा हूँ ना मैं, तुम सुपर लगोगे उसमें, एकदम हीरो। पापा पापा हाय डूड, गिफ्ट पसंद आया? क्या बात है सर? We are terrorists. Terrorists? हमने उसे किडनैप कर लिया है, वो हमारे कब्जे में है। हम उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। कौन है वो? कार्तिक। कार्तिक आपके कब्जे में है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। Hey, hi, Bobby. ये क्या कर रहे हो? वीडियो गेम खेल रहा। You did. मेरी जान निकाल दी थी। क्या कर रही हो? अरे मुझे मारो, मार क्यों रही हो? Stupid. ये कौन सा तरीका है? कॉलेज जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, सोचा अकेले क्या करूँ, इसे टाइम पास के लिए तुम्हें बुला लिया। क्या गलत किया मैंने? ये क्या बुलाने का तरीका है तुम्हारा? छोड़ो। हे पवी, पवी डार्लिंग, पवी रुको तो, पवी रुक जाओ, तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप की कसम। बोलो क्या है? वाह बड़ी जल्दी मान गई। सीरियसली पवी, बिलीव मी, दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता है। और अच्छा एक काम करो, जल्दी से इधर आ जाओ। अरे अरे जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। हाय मम्मा, तुम मुझे दिखती क्यों नहीं हो? पवी कार्तिक, कितना सताते रहते हो तुम मुझे। आज मम्मा की जगह पवी दिखी, कहीं इसका मतलब यस। क्या है? अरे लगता है साहबजादे पूरा मैदान मार के आए हैं। मैडम कॉफी। ओह थैंक यू, आप भी बैठिए ना। नहीं नहीं मैडम। ओके तो नहीं 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 बैठता हूँ बैठता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? आज मूड कुछ खराब है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम? बिजनेस तो अच्छा है। कॉफी की टेस्ट की वजह से। आपकी वाइफ का तो कोई? वाइफ तो नहीं रही। I'm so sorry. It's okay. She is an unlucky lady. असल में मैं ही अनलकी था। ओ, वाइफ से अभी भी इतना प्यार? और बच्चे? एक बेटा है। उम्र क्या है? जवान हो गया, कॉलेज जाता है। ओके ओके, बेटे के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है राइट? बच्चों के साथ तो चलता ही रहता है। इसका मतलब आप ओनर के साथ एक अच्छे पिता भी हैं। आई लव इट। सो अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कह सकते हैं, समझ गए ना? आप ना कॉफी बहुत प्यार से बनाते हैं। थैंक यू, आई लव इट। जी बहुत अच्छा। आपने मुझे डाइवोर्स नोटिस भेजा है? हाँ तो? ये पेपर्स भेजने का मतलब क्या है? तुम इतने भी ना समझ नहीं हो, तुम्हारी रोज रोज के किटकिट मैं एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम अभी खत्म कर देते हैं।
जब हम काम के लिए दूर हुए थे तभी हमें अलग हो जाना चाहिए था। इतने सालों से मैं इंतजार कर रही थी, मेरा ही दिमाग खराब था। पापा के साथ ऐसे बात मत करो ना प्लीज। चुप कर तू। मेरा गुस्सा बच्चों पे क्यों उतार रही है? अरे बेटा वो गुस्से में है, अच्छी बात मत करो। बस कीजिए पिताजी, वकील हायर किया है, नोटिस भेजा है उसने मुझे। जब से उससे अलग हुई हूँ सब कुछ अकेले ही संभाला है मैंने। उसने तो कुछ भी फेस नहीं किया ना, मेरा गुस्सा, मेरा चिल्लाना, मेरी शिकायत, उसने बस यही देखा है मुझे। अब उसका ये क्रिया चरित्र मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली, बोल देती हूँ। आदमियों में क्रिया चरित्र नहीं होता मामा, तुमको बीच में बोलना जरूरी है क्या? ये औरत बेवकूफ जैसी बात कर रही है, इसकी बात पे ध्यान मत दो। तो आप अपने आप को तोप समझते हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ए, मैंने सही बोला, वहाँ रह के पैसे कमाने के लिए किसने कहा था? यहाँ मामा ने सब कुछ अच्छे से संभाला है, हम लोग यहाँ बहुत खुश है, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पैसे मैं तुम लोगों के लिए ही उन्हें वो चाहिए ना, तो दे दो। ये बाहर गाड़ी का हॉर्न कौन बजा रहा है इतनी देर से? देखो कौन हॉर्न बजा रहा है, देखो जाके। ठीक है माँ, यही चाहिए ना आपको? अब डिवोर्स पेपर पे साइन मैं कर देती हूँ। मामा, मामा छोड़ो ना मामा, पेन देना जरा। एक कार्तिक, हॉर्न बजा के परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए डार्लिंग। वो किस लिए? बताता हूँ, बैठो तो। ये भी ना, आ गया दिमाग। यही मौका है। ए, स्टूपिड, क्या है ये? अरे मैथ में डेट जो कर रहा हूँ। डेटिंग? ओ, तुम्हारे साथ दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आई थिंक आई एम इन लव। लव? किससे? तुमसे। पागल, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या? मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और ऐसे हालात में तुम्हें प्यार व्यार की बातें सोच रही है? हे पवी, सोच के जवाब दो वरना। वरना वरना क्या कर लोगे, बोलो ना। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इंक्लूडिंग माय फादर। अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारे मेरे बीच में किसी के पापा को लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम्हारे पापा कैसे होंगे। जबान संभाल के मेरे पापा के लिए कुछ मत बोलना। क्यों, तुम्हारे पापा आसमान से टपके हैं? ए, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप हो जाओ। अरे मारती नहीं हो? Get out! Damn it! Idiot! Stop it! I hate you! वो क्या है ना, मैं कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं कर सकता। आप बैठ के बात करते, सबसे सलाह लेना जरूरी है ना, पहले आप आइए बात करते होटल में। आप आइए एक बार। जैसे ही मुझे दो दिन में वहाँ छुट्टी मिलती है, वैसे ही मैं आपके पास मिलने आता हूँ, ठीक है ना सर? सर 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 क्या हुआ सर, आप कुछ बोल नहीं रहे सर? सर कार्तिक, इतना गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो बेटा? कॉलेज में कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, अपने पापा को नहीं बताओगे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप जाओ ना पापा। ठीक है, तुम्हारे लिए डोसा बना के लाओ बेटा। नहीं, इडली। बोला ना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा क्या है पापा? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अरे ये क्या, तुम्हारे बाल गीले हैं बेटा, गीले रहेंगे ना तुम बीमार पड़ जाओगे बेटा। टॉवल खाए, टॉवल खाए। रहने दो पापा, चुपचाप बैठे रहो। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? चली जाइए यहाँ से, जब देखो सर पर नाचते रहते हैं। नहीं, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जीवन का पहिया ठहरता नहीं, बीता समय फिर से आता नहीं। जीवन का पहिया ठहरता नहीं, बीता समय फिर से आता नहीं।
जीवन में है एक सहारा, मेरी आंखों का तू है तारा, भूल हुई क्या ये मेरी बताओ, जीवन का पहिया ठहरता नहीं, बीता समय फिर से आता नहीं। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि बच्चे को लेकर पूरे गांव में चर्चा चल रही है। कैसी चर्चा? बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि आप ये गांव छोड़ करके चले जाइए। मधुसूदन, ये गांव की भलाई का सवाल है, अपने बच्चे को लेकर चले जाओ। आप तो जानते हैं गांव की मान्यता को, हम सब के लिए यही सही होगा। ठीक है बहन, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही चाहूंगा। हम कल ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी। हमें अच्छा नहीं लग रहा ये बोल करके, लेकिन गांव की भलाई के लिए यही ठीक रहेगा। चलिए चलते सब। जीवन का सच है ये, गिर के संभलना है तुझे, हर हाल में तुझे चलना, धरती करवट लेगी आसमान रंग बदलेगा, कर हिम्मत ना तू हारेगा। हम बसाएंगे, नए लोगों को अपना बनाएंगे, सबको अपना मानेंगे, मेरी खुशियाँ तुझसे हैं, तेरे सपने अब मेरे हैं, सदा खुश रहे मेरी दुआ, तू ही मेरा है सारा जहाँ, सोचा था बोलो मम्मा। जीवन का पहिया ठहरता नहीं, बीता समय फिर से आता नहीं। मम्मा कहाँ? जीवन का सच है ये, गिर के संभलना है तुझे, हर हाल में तुझे चलना, करवट लेगी आसमान रंग बदलेगा, कर हिम्मत ना तू हारेगा। राजा, हाँ बोलो, फोन किस लिए किया? इतने दिनों से फोन ही नहीं किया, मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए। अच्छा, डांटना चाहते हो? ओहो, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा, छोड़ो ये सब। ये बताओ, तुम लोग यहाँ पर कब आ रहे हो? हाँ हाँ, बहुत जल्द आएंगे। सुनो, इतना समय हो गया तुम लोगों को यहाँ आए हुए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा तुमको। अरे कैसे आएंगे, यहाँ काम भी तो देखना पड़ता है ना। क्यों, कार्तिक है ना, वो क्या कर रहा है? पूछ ले उसी से। हाँ अंकल बोलिए। बेटा तेरा कॉलेज संडे को तो नहीं होता ना? सोमवार को होगा अंकल। तो एक काम कर, पापा को लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जा, एक जरूरी काम है, आने के बाद ही बताऊंगा वो काम क्या है। जरूरी क्या? वो क्या बोल रहा है? अरे अपने आप ही पूछ लो ना। कार्तिक तुम आ रहे हो? हाँ आऊंगा आंटी। पापा को भी साथ ले आना। आंटी मुझे नहीं पता, तुम दोनों को यहाँ आना ही होगा, तुम आ रहे हो ना? हाँ बोलो राजा, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मधुसूदन जरा ठहर जा, मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ तुझको। वो देख अंकल, आप मुझे स्वामी जी से मिलवाने लाए। स्वामी जी नहीं, सर्वव्यापी हैं वो, जाओ तो सही। अच्छा बेटा। आखिर आएंगे।
मैं जानता था। स्वामी, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए। जी पंकज। और तुम तो बेटा यहाँ आने वाले भी थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों आए? बस आ गया। तुम रुको यहाँ, तुम आओ मत। जी चलिए। तुम्हारी समस्या क्या है? अब क्या बताओ स्वामी? ऐसा कुछ नहीं तो हम निकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है स्वामी जी। हाँ फिर भी स्वामी जी, एक समस्या तो है। मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन वो तुम्हारी बात सुनता क्यों नहीं? कार्तिक दरअसल अपनी अम्मा पर गया है। बाप पर भी तो जा सकता। अरे आपको क्या बताओ स्वामी जी, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, उसे छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं। अरे लेकिन कभी कभी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखना भी उन्हें पसंद नहीं आता। बिल्कुल। वो अब बड़ा हो गया है, टीनेज में आ गया है, तो अपने पापा का दखल देना अच्छा नहीं लगता होगा, ये बात समझनी चाहिए ना। हाँ लेकिन मेरे सामने तो बच्चा ही है ना। है? इतने समझदार होकर ऐसी बातें करते हो? आगे बोलो। अब क्या बताओ स्वामी, वही तो मेरी दुनिया है। ठीक। आज के बच्चों में रहन सहन और हमारे रहन सहन में न जाने कितना फर्क है ना स्वामी। दीपावली, दशहरा जैसे त्योहार हम सब लोग कितना खुशी से मनाते हैं साथ मिलकर, वही तो मेरा परिवार है, मैं नहीं रह सकता। मैं हूँ ना, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसने तुम्हें क्या बोला जिससे तुम इतना दुखी हो रहे हो, वो तो बताओ। वो मुझसे कुछ कह दिया स्वामी। बताओ क्या बोला, बाद में देखेंगे, बताओ तो सही। बोला मेरे सर पे मत नाचो। बस इतनी सी बात है? इस बात के लिए इतना दुखी थे? हाँ? अब मेरे पास आई गए ना तो चिंता छोड़ो, आओ देखते हैं। स्वामी जी सब ठीक तो हो जाएगा। अरे आओ तो सही, देखते हैं क्या करना है। हाँ, हर समस्या का कोई ना कोई निवारण है। आपकी बात मान जाए और मैं ठीक है। जी हाँ। तुम थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ। हाँ, मैं आओ बेटा। तो आजकल क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस कॉलेज लाइफ। और क्या ये कॉलेज लाइफ क्या होती है? सच बताऊँ तो मेरे उम्र के सभी लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसा है क्या? सिर्फ पढ़ाई करते हैं या और भी कुछ होता है आपके कॉलेज में? हाँ जी, हमारे नए नए दोस्त बनते हैं। हाँ। कॉलेज का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, हमें कैसे कैसे टॉर्चर झेलने पड़ते हैं, आजकल कितना प्रेशर होता है हम यंगस्टर्स पे। ऐसा सब होता है क्या? हमारे समय में भी ऐसा हुआ करता था लेकिन हम कहाँ बदले। एक्चुअली सच बात यह है कि किसने क्या कहा, कौन कहाँ रहता है, आसपास क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, पापा को सब जानना है। इसमें टॉर्चर क्या है? वो अपना जीवन जीते हैं, तुम भी अपना जीवन जियो, ठीक है? और पापा? मुझे लगता है पापा को नए दोस्तों की जरूरत है, एक ही अंकल उनके सालों से दोस्त हैं। और कोई नहीं? हाँ, चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है? चलो कुछ देर के लिए ऐसा सोचते हैं, स्थिति और समय को देखते तुम अगर उनके दोस्त बन जाओगे तो क्या होगा, क्या ख्याल है? ये कैसे हो सकता है? तुम जरा सोच के तो देखो। ओह, तो ये सब आपसे पापा ने कहा है? वो बस एक ही चीज चाहते हैं कि मैं उनकी हर बात मानूं। बेटा, पानी को अगर अलग करने की कोशिश करोगे ना तो भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, और ये तो बाप बेटे का रिश्ता है, इसलिए अपने बाप को दोस्त बना, एक सॉरी सब कुछ बदल देगा, यकीन मानो। सॉरी? मैंने अपनी लाइफ में किसी को कभी सॉरी नहीं कहा। हाँ तो अब भी बोल दो, इसमें क्या है, तुम्हारे पापा ही तो हैं। पापा को क्या सॉरी बोलना है अंकल, आप भी मजाक कर रहे हैं। है? हाँ। बेटा मधुसूदन। ये जरा। जी सर जी। मैं जो कुछ भी बोलूंगा एकदम 100%। पानी में जाना है। क्या बात है, पानी में जाना है? I am ready। जी, पानी को छू कर आना है। केवल छूना नहीं है बल्कि अंदर जाकर पानी में सिर्फ डुबकी लगानी है। हाँ, जी ठीक है, बिल्कुल कर पाओगे ना? हाँ, जाएंगे ना? सिर्फ हाँ हाँ करते रहोगे या जाओगे भी? चलो चलो चलो। कार्तिक और मधुसूदन जी। हाँ। इतने दिन बाद हमारे यहाँ आए हैं। हाँ।
और कहाँ छोड़ आए उन्हें? आ जाएंगे। तुम यहाँ खा रहे हो, हमें वहाँ अकेला छोड़ दिया। कार्तिक, क्या अंकल से ऐसे बात करते हैं? सुमन, तुम हमारे बीच में मत बोलो। ये सब स्वामी जी का कमाल है। आंटी, पापा और अंकल का दिमाग खराब हो गया है, समझी? आंटी? स्वामी। अरे बापरे, उनकी वजह से हुआ ये? आंटी, ये क्या कह रही हो आंटी? बताता हूँ बेटा, पहले तुम दोनों आराम से यहाँ पर बैठो। वो ऐसा हुआ है कि स्वामी जी ने अदला बदली कर दी। बोलना क्या चाहते हो? अरे क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बताओ मुझे। बाप के अंदर बेटे की आत्मा को डाल दिया है और बेटे के अंदर बाप की आत्मा को डाल दिया है। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा बड़ो? तुम दोनों के साथ आत्मा की अदला बदली हो चुकी है। वो सब तो ठीक है, मैं तो ये सोच रही हूँ ये दोनों लोग अपनी लाइफ में जिएंगे कैसे। कार्तिक का कॉलेज, मधुसूदन का होटल, एक साथ संभालना मुश्किल है, सही कहा ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, बाप को बेटा संभालेगा, बेटे को बाप संभालेगा, बस करते करते आदत पड़ जाएगी। अब यही करना है, बाप बेटे की जगह और बेटा बाप की जगह। अरे लेकिन ये सब झोल झमेला कैसे पॉसिबल है अंकल? बहस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, क्या समझे? अब क्या सोचना, जब चिड़िया चुग गई खेत। पार्वती पतिये, हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शंभो। हेलो कार्तिक बेटा, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर लोग आए हैं। ओह ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। कार्तिक बेटा, पापा को फोन दो। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ। नमस्ते। बेटा कपड़े तो पापा की तरह पहने हो। हाँ बस ऐसे ही। वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आए थे वो लोग कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? वो नहीं, आज मैं मिलूंगा। ये क्या है? ये बनाना लीफ है। मतलब इसके ऊपर खाना खाया जाता है। खाना खाया जाता है? आपको पता है आयुर्वेद शास्त्र में इसके बहुत सारे फायदे बताए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, ये हमारे पुराने ग्राहक हैं। इनसे आप हमारे रेस्टोरेंट के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मछली का सालन अच्छा लगता है या मछली फ्राई? ये क्या है? यहाँ पर छोटे शिशु को रखा जाता है। हमारे यहाँ जो भी महिलाएं काम करती हैं, उनके नवजात शिशुओं को यहीं पर स्तनपान करवाया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी महिला और पुरुष कारीगर काम करते हैं वो यहाँ पर एक परिवार के जैसे हैं। चलिए आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। हेलो सिस्टर। नमस्कार बेटा। नमस्कार भाई। अरे पापी, ये कैसे हुआ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू जाके ऑर्डर ले। बेटा चेक पे साइन चाहिए। कोई बात नहीं, हो सकता है। बेटा पापा के साइन चाहिए थे। ओह कोई बात नहीं, मैं साइन करवा लूंगा। ठीक। बेटा बेटा, इतने साल से सिर्फ इज्जत ही कमाई है, उसे मिट्टी में मत मिलाना। कौन है पापा जो आपकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? कैसे बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ? अरे वही हमारी अदला बदली वाली बात। देखो इन सब के लिए यहाँ पर अभी तुम ही मालिक हो। हाँ पापा, आप मॉडर्न ड्रेस में जम रहे हैं। अब ये भी कोई कहने वाली बात है। आज से सारे लोग मेरा कैरेक्टर आप में देखेंगे, क्यों? ठीक है ना? Okay, sure, ये हमारे कुक है। वाह भाई, हम भाई हमारे अकाउंटेंट है। नमस्कार। और ये सब लोग यहाँ के वेटर्स हैं। ये है कुमार भाई और ये है बजाज। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो देखो बेटा, तुम्हें चेकबुक पर साइन करने के लिए बुलाया था। मेरे साइन किस लिए, आप खुद कर लेते। अरे तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है, तुम्हारा साइन चाहिए। अकाउंटेंट ये लीजिए सर। आप बाकी का काम देखिए, मैं साइन करवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। पापा ना जाने ऐसा कब तक चलता रहेगा। क्या हुआ, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल नहीं पापा, आपका ऐसा बदला हुआ रूप देख के यहाँ होटल में सब चौंक रहे हैं। ओके। ऊपर से आपका ये काम मेरी समझ के तो बाहर है। हेलो अंकल, नहीं नहीं कार्तिक है यहीं पर। एक मिनट पापा, मेरे कॉलेज फ्रेंड है, बात करिए ना। करिए ना बात, अरे करिए तो प्लीज। हेलो, हाँ कार्तिक बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम आजकल, फोन नहीं करते, मिलते भी नहीं।
छोड़ जाने दो, मुझे इतना ही बताना था हमारे कॉलेज में टीसी मिलना शुरू हो गया। ओह अच्छा, टीसी मिलना शुरू हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ पापा? होना क्या है, कॉलेज में टीसी मिल रहे हैं, जाओ लेकर आओ। तो मुझे क्या बता रहे हो, आप जाओ, आप हो ना आप कार्तिक। ओ मैं तो भूल ही गया, ये है पापा मेरा कॉलेज और इस तरफ है मेरी क्लासरूम, मैं चला। अरे बेटा मुझे क्लास तक तो पहुंचा दो। चलिए क्लासरूम तक तो पहुंचा देता हूं। भूल कैसे जाते हो? अरे हमारी जनरेशन में इतनी एनर्जी भरी है क्या पता आपको। हां हां बेटा, तुम लोगों में कितनी एनर्जी भरी हुई है वो तो मैं देख ही रहा हूं। पापा दिस इज टू मच। कमीज कहने का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने, अभी बताती हूं। हाय एंड्रयू, क्या तुम ये सब क्लासरूम तक चलोगे? हाय ड्यूड। एंड्रयू एक काम करो, मेरे कंधे पे हाथ रख के चलो। यस सर। देखो मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड आई एम सो लकी। ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। ए चिंपांजी, लंगूर के मुंह में अंगूर, छोड़ूंगा नहीं। बेटा तुम नोट्स कैसे कंप्लीट कर रहे हो? आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये है क्लासरूम, जाइए अंदर जाइए। चलिए चलिए। हाँ जाता हूँ पर मैं करूँगा क्या? अरे तो ये कहाँ गया? हे भगवान, पहली बार कॉलेज में आ रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। कार्तिक नमस्कार भाई। कार्तिक को क्या हो गया? यही बदल गया। देखो आप सभी लोगों को नमस्कार। एक कार्तिक, ये क्या पहन के आया है? क्यों इंडिया के इलेक्शन में खड़े होने जा रहा है? तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता। अरे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे चेंजेस। ए कार्तिक, तेरा फोन पापा के पास था क्या? अजीब सी बातें कर रहे थे, घर पे सब कुछ ठीक है ना? हे पवित्रा से बात हुई क्या? पवित्रा जी ये कौन है? क्या जल्दी आओ पवित्र, तुम्हारी किसी से जान पहचान करानी है, जल्दी आओ। हे कार्तिक, पूछ रहे थे ना पवित्रा कौन है, ये है पवित्रा। नमस्कार जी। अब बात मत करना मुझसे, चल यहाँ से। अरे गुस्से में क्यों है? पवित्रा। सॉरी सर। ये क्या बदतमीजी है? सर कार्तिक की वजह से। आई नो, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। कार्तिक की अच्छाई के बारे में पूरा मलेशिया जानता है, उसे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। कार्तिक इतना फेमस है यहाँ पे। लेकिन तुम्हारे इस करतूत का मेरे पास एविडेंस है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ओवर यस्टरडे। टर्न टू पेज नंबर 54 प्लीज। बॉय बैठो, मेरा हाथ धुलाओ, इससे नहीं नीचे। सॉरी डॉन, विस्की है या ब्रांडी? विस्की डॉन। ब्रांडी से बाद में धुला, अभी अभी एक का काम खत्म करके आया हूँ। मैं लेकर बुला। ओके डॉन। माला दीदी, डॉन बुला रहे हैं। ऊपर है? यस दीदी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आकर देखती हूँ। चिंपांजी से फ्लर्ट कर रही थी। I like it, love you, Pavi. यस डॉन। अगर डॉन की जगह डार्लिंग बुलाती तो कितना अच्छा होता। माना लेफ्ट और राइट वालों को अपने साथ ले जाओ, सेंटर को मैं देखता हूँ। टेक देम। ओके डॉन, प्लीज आइए। ये कहाँ गए? यहाँ पर जो बैठे थे वो कहाँ चले गए? निकल गए। पक्का नाना जी होंगे, मेरे रूम का बाथरूम यूज करना होगा उनको। हुजूर आते आते देर कर दी बहुत। बाथरूम यूज करने के लिए अभी ना ना, जल्दी जाइए।
जाते समय लॉकर के जाइएगा। ऐसे कैसे, इतने जल्दी थोड़े ही जाऊंगा, किस करने आया हूँ तुमको। पहले इनको मन हाथों को चूमूंगा। ए, अपनी तो एक दुकान बंद हो गई, कोई नहीं, एक आंख से ही देखूंगा मैं, अपना छोड़ूंगा नहीं टारगेट। आई वॉन्ट लीव यू बेबी। ये पवी, मैं कार्तिक हूँ। पापा, अरे इसने मुझे पापा के रूप में देख लिया और इसीलिए डर के चिल्ला के भाग रही है। आइए जाओ, ये तो पवी का है, ये देखो, इससे पहले कोई मुझे देख ले। मम्मा, चोर दिखने में कैसा होगा, तुम डरना नहीं। ए, डरता कौन है, सामने आ गया ना तो ऐसे मारूंगी। मुझे क्यों डरा रही हो, अब चुप कर। कहाँ गया? ये भी लो, ये भी लेकर आया हूँ। और कुछ नहीं मिला आपको? जाइए नाना जी। और कुछ देखता हूँ। देखो, वो यही कहीं होगा। आइडिया, हम वहाँ से शुरू करते हैं। मम्मा, जगह इतनी बड़ी है क्या? मेरे सामने इतनी जुबान चला रही है, लड़ाई कहीं की बात बोलती है। चल, जैसे ही सामने आएगा दे मारूंगी। तुम चाकू घुसा देना उसको, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें मारेगा। समझ में आया ना? नहीं तो बाद में मत बोलना, ठीक है? ध्यान से आओ, हम उसको पकड़ लेंगे और कमरे में बंद कर देंगे और तुरंत पुलिस को फोन कर देना तुम। सुपर आइडिया। ठीक है, आगे बढ़े। डर रही है, सब सुन लेगा। सुन लेगा तो पूछो, इसी वजह से थोड़ी ना आया है। तू चुप कर, वो मेरे लिए थोड़ी आया था, चोरी करने आया था। चुप कर। जब हमारे घर में चोर आया है तब तुम लोगों को लड़ाई की पड़ी है, देखती हूँ बाद में। हे भगवान, अभी हम इसको कैसे पकड़ेंगे? ए, अपना भला चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। वो आ गया, दिमाग खराब है तेरा, डर क्यों रही है? उधर गए हैं, पकड़ो जल्दी, पकड़ो, अरे पकड़ो, पता नहीं कौन घर में घुस गया है। जल्दी छोड़, देखो देखो, पकड़ लिया, बढ़िया ना? स्टूपिड, तमीज नहीं सीखा क्या तुमने? क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया? इतने सीधे मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है। देखो, मेरे पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं पीछे पड़ी हूँ? जब भी कॉलेज आता है मुझे टॉर्चर करते रहता है। क्या भाई, ये लड़की हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है? मतलब प्यार खूबसूरत एहसास होता है, जो तुम दोनों को हुआ है, तब भी तुम लड़ते रहते हो, कितना ड्रामा करते रहते हो तुम लोग, अब जाकर उसे मनाओ। ओह, तो ये बात है, दोनों में प्यार है, अब तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हाँ पवी डार्लिंग का गुस्सा शांत रहे अभी तक, इट्स ओके। पिंकी पिंकी पोंकी चिंपांजी, ये तो वही है। ए, कैसी हो? ए, आई किल यू, बैठ ले, दिखाता हूं तुझे। ए, ये ले, ये ले, कौन है? स्टॉप, डॉन के लिए। यस। स्टॉप, डॉन के लिए। यस। ठीक है, जाओ। स्टॉप स्टॉप, डॉन के लिए। जूस डॉन। ये क्या है?
आपकी सिक्योरिटी का सवाल है डॉन। इतना भी क्यों बचाया ग्लास में, कोई बात नहीं, जो मिल गया वो नसीब। यस डॉन। तुम्हारा निशाना मिस हुआ। हाँ डॉन, पिछले कई दिनों से मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? सब कुछ बदल गया है, अच्छा लगने लगा है, किसी के ख्यालों में मैं खोने लगी हूँ, न जाने क्यों। माला, डोसा बना रही हो? पूरी भी तल रही हो? जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आओ। थैंक यू डॉन। ए, हमारे लिए टेबल बुक करो। दीदी आपके लिए टिफिन बोल के गई है, लंच वहीं से आएगा। जी, दिमाग की दही मत कर। डॉन के टिफिन में क्या जाएगा अब वही डिसाइड करेगी ना। कहाँ यह अमावस की रात और उसे देखो वो इतनी सुंदर चौदहवीं का चांद, डॉन की क्या किस्मत है। डॉन बॉय। ए, सुना तो नहीं? यस डॉन। दीदी, मम्मा यहाँ आइए ना, ये बहुत सुंदर है। ए, तुमने सेलेक्ट भी कर लिया? मैचिंग मिल गया माँ। ठीक है चलो और देखते हैं। रुको रुको, मत जाओ माँ। ए, वहाँ मत जाओ माँ। क्यों? मेरे मुंह पे चोट लगी थी, मैंने बताया था ना कॉलेज का लड़का है, ये वही इडियट है। कार्तिक पर ये शर्ट अच्छी लगेगी। दिखने में तो ये लड़का बड़ा शरीफ लग रहा है। किसी के बारे में कुछ भी मत बोला कर, चल यहाँ से। ये ना कॉलेज का छठा हुआ बदमाश है, उसकी शक्ल पे मत जाओ, बहुत ही खतरनाक लड़का है। देखो, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुमने कुछ किया होगा। तुम मुझे मत बताओ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। भरोसा नहीं है तो जाओ, हम ट्रायल रूम जाते हैं, चलो। हे भगवान, इसको क्या हुआ, ये गिर कैसे गया? क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम क्या है? भाई और तेरा कभी ना ये। Excuse me, yes. please call the police. No, I like the file. Ame dhakkan. De, pink wali dress de. Ye lo. Please. अरे बेटा, तुम्हें लग गई क्या? चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे भाई, फर्स्ट एड बॉक्स तो जल्दी। इतना मार खाने के बाद उसी का इलाज कर रहा है? आप चले। बस हो गया हो गया, अब दर्द कम हो जाएगा बेटा। हाँ बहन, ग्रेट है ना? क्या, मैंने बोला था ना ये बदमाश है। बकवास मत कर, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या तुझे कुछ पता है? थैंक्स भाई, पहले का जो कुछ भी है हम दोनों भूल जाते हैं, और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए मुझे माफ कर देना। हो गया ड्रामा, चलो। नहीं कार्तिक, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं। नहीं कार्तिक, मेरी गलती है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पर जाकर आराम करना भाई। नमस्कार। नमस्ते आंटी। हमसे गलती हुई। कौन सी गलती? अरे क्या बताऊँ, मेरी बेटी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी ना, उसने बताया था मुझे इसके प्रायश्चित के लिए अगर आप हमारे घर चले तो हम आपका इलाज करना चाहते हैं। ओह, तो आप पवित्रा की मम्मी हैं? जी हाँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आपकी बात कैसे टालूं, आखिर पवित्रा का सवाल तो चलिए। नौटंकी। ए बेटा, बुद्ध कह गए हैं, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, सभी विशेषज्ञों ने भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक हैं। तुम क्या कहते हो? मैं भी यही मानता हूँ। झूठा कहीं का। ए, दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अच्छा हुआ आप आ गए, अंदर से लिए नाश्ता रेडी है। बेटा
कार्तिक बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छा लड़का है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि इसको कितनी नॉलेज है। क्यों बेटा, यहाँ तुम्हें पराये जैसा तो नहीं लग रहा है ना? आपके यहाँ आकर मुझे अपने गाँव की याद आ गयी। आओ तुम्हें बाथरूम में बंद करती हूँ। हाँ, कमरे में तुम्हारे लिए बहुत सा काम रखा है, जाओ जाके सारे काम खत्म करो। अरे रे, आइए बैठिए ना, बहुत जल्दी में सब बनाया है मैंने। ये देखिए ना, व्हाइट राइस है, बिरयानी बनाई है, चावल की खीर है, दाल है, सब्जी है, बहुत कुछ है। मेरे लिए इतना सब इसकी क्या जरूरत थी? इतना सब तो कुछ भी नहीं है, इतने कम समय में जो ध्यान आया वो सब मैंने बना दिया। इतनी वैरायटी तो हम भी बहुत दिन बाद। क्या करूं? बिरयानी कैसी बनी है? बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ी सी दाल टेस्ट करो ना। हाँ, ले लूंगा ले लूंगा। अरे शर्माओ मत बेटा, खाओ खाओ बेटा। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। पवित्रा के मम्मी पापा के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। क्या शुरू हो गया? जी मैं समझता हूँ। वो हमेशा लड़ते रहते हैं और असर बच्चों पे होता है, इसलिए वो इतनी चिड़चिड़ी है। उसे किसी के प्यार की जरूरत है। काश उनके बीच सब ठीक हो जाए। समझ नहीं आ रहा नाना जी, पता नहीं उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तभी हमें उस चीज की कदर होती है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मम्मी इतनी सारी खीर, ये ले जाओ, बाहर जाके सर्व करो, स्पेशल गेस्ट आए हैं, जाके सर्व करो। जो भी किस्मत में लिखा हो हमें उसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। ये तो सच कहा तुमने। थैंक यू, आप खा लीजिए। थैंक यू भैया। आप सब लोगों से मिलकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। मन ही नहीं कर रहा है कि आप लोगों को छोड़कर जाऊं, पर जाना तो होगा। फिर मिलता हूँ। नमस्कार भैया। आते रहना बेटा। जब देखो तब सॉरी कह के अपना ड्रामा दिखाता रहता है। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तभी हमें उसकी कद्र होती है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। सर मैडम आई हैं, आप कॉफी बनाएंगे उनके लिए? मैडम के लिए कॉफी बनाएंगे मतलब? उनकी कॉफी हमेशा आप ही तो बनाते हैं। अच्छा, मालिक मैं हूँ, कॉफी भी मैं बनाऊंगा। अरे फिर तुम लोग यहाँ क्या करोगे? जाओ मैडम से बोलो अपनी कॉफी खुद बना लेगी, जाओ यहाँ से। यू आर करेक्ट, सिर्फ आप ही हमेशा मेरे लिए कॉफी क्यों बनाएंगे मिस्टर मधुसूदन? सोचा आज मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं। क्या हम 10 मिनट के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? प्लीज। ओके। कॉफी पीजिए ना। थैंक यू, बढ़िया कॉफी है। मैंने कभी फैमिली नहीं देखी, इसलिए संस्कार क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता। I see. मैंने मम्मी डैडी किसी को कभी नहीं देखा है। इसलिए परिवार क्या होता है ये मैं कभी जान ही नहीं सकी। अभी सब मुझे क्यों बता रही है? मैं हमेशा अकेली रही हूँ, थोड़े थोड़े पैसे कमाकर गुजारा करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मैं जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ आपके साथ। हमारे बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ इस कॉफी की वजह से है। अभी कॉफी का क्या सीन है? जब आपको मैंने रेस्टोरेंट में देखा था तभी आप मुझे अच्छे लगने लगे और मुझे आपसे प्यार हो गया। अब एक पल में आपके बिना नहीं जी सकते, इसलिए मैडम जरा गाड़ी रुकवा लीजिए। हाँ? मुझे उतरना है। ड्राइवर गाड़ी रोको। थैंक यू। आप पर ये ड्रेस बहुत जच रही है और उससे भी ज्यादा आप अच्छे लग रहे हैं। ओहो, गैंग माला के पापा के प्रति विचार ठीक नहीं लग रहे। हाँ? आप मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं मिस्टर मधुसूदन, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो।
मैं तो समझ गया। Finally, yes, I love this idiot. I love this idiot. हेलो, कौन? पवित्रा के नाना जी घर पर हैं क्या? मुझे कुछ बात करनी थी। किस लिए चाहिए? वो नहीं है। ए, कौन है? मुझे दे, मैं देखती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? हेलो, पवित्रा की मम्मी बोल रही हैं क्या? मैं ही बोल रही हूँ। आपने कैसे याद अच्छा, किया? नाना जी कहाँ हैं? किचन में होंगे। वो यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है ना, फोन करती हूँ मैं। डिस्टरबेंस? हाँ बोलिए, इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ एक ही मिनट तो लगता है ना। यहाँ कोई देख रहा है। हेलो 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 हेलो, लगता है रेंज गई। एक मिनट, यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है। हाँ 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 बोलो। नाना जी को सब बताती हूँ। नाना जी, क्या हुआ? ये मामा का क्या नाटक चल रहा है? हाँ हाँ, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। छोड़ दे उसे, तू ध्यान मत दे बेटा। जब शादी तय हुई थी ना, तो उस समय भी ऐसी बाहुरी हो गई थी वो, इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, तू अपना देख। अरे आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत लोग होते। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आज एक साथ यहाँ जमा हैं, एमएल और केएल कॉलेज। क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल से इन कॉलेजेस की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमने जी जान लगा दी है, और ये आज भी बनी हुई है। जानते हैं क्यों? उसका कारण है कॉलेज के बहुत अच्छे और प्यारे दो नौजवानों की वजह से, और उनका ये नया एटीट्यूड। सॉरी कह के दोनों ने स्टीवन फ्रॉम केएल कॉलेज एंड कार्तिक फ्रॉम एमएल कॉलेज। क्या नाटक! नो मैडम, एक बार कार्तिक जो सोचता है उसे कार्तिक जरूर पूरा करता है। यहाँ तो सबका दिमाग खराब हो गया है। हम दोनों केजी से लेके आज तक फ्रेंड्स हैं। बॉयफ्रेंड की वजह से हमारी फ्रेंडशिप टूट गई थी, लेकिन कार्तिक के सॉरी फॉर्मूला की वजह से हम फिर से दोस्त बन गए। वी आर फ्रेंड्स नाउ। मैंने सॉरी कहा। मैंने भी सॉरी कहा। वी आर हैप्पी नाउ। जीवन जीते हुए न जाने कितनों को हर्ट करते हैं और उन्हें वापस देखते भी नहीं है। उन्हें मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर मिलके सॉरी कहा जा सकता है। ऐसा करने से पूरे शहर में हर कोई प्यार करने लगेगा, जिससे संतोष और भाईचारा पनपने लगेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तुम बड़े मजाकिया हो, तुम मन की बातें कितनी आसानी से पढ़ लेते हो। सच में तुम भी ना। इनका क्या चल रहा है? तो बताइए, केएलएमएल कॉलेज की दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है सर? पहले केएलएमएल कॉलेज की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पर अब हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, इसी में सबकी भलाई है, और अब ये दोस्ती बनी रहेगी। ओके सर, ये जो सॉरी की हवाएं पूरे शहर में चल रही हैं, पूरा मलेशिया उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहेगा। लेकिन क्या यहाँ के माफिया गैंग पर भी आपके इस सॉरी की हवाओं का असर पड़ेगा? ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और पूरा शहर हमारी कोशिश में हमारा साथ दे रहा है, और उन सब लोगों को भी हमारी इस छोटी सी कोशिश का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। जब पूरा शहर प्यार और भाईचारे में घुल गया है, तो उन्हें भी शामिल होना ही पड़ेगा। इतनी कम उम्र में संयम, धैर्य, समझ आपके अंदर कहाँ से आई सर? जो आपने किया है उसका श्रेय आपको देना चाहिए। ये मेरे बड़ों के दिए हुए संस्कार, मम्मी पापा, मेरे अपने भाई, मेरे सभी दोस्त, इन सबकी वजह से मैं सॉरी बोल पाया और पूरे शहर को खुश दे पाया। आप उनके साथ हैं? यस। मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, लीजिए ना, दीजिए ना। डॉन, डॉन। ए, कौन है बे तू? बताना, जुबान पे ताला लग गया क्या? कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। अरे बोलता है ठोक दूँ। ए, रुक रुक, लगता है कोई भिखारी है। ए, भीख मांगने के लिए बैठा यहाँ पर? डॉन ने बुलाया क्या? ये कौन है पता नहीं, ये डॉन भी ना कहाँ कहाँ से उठा के ले आते हैं। हाँ भाई, लगता है डॉन आ गए।
appropriate. डॉन डॉन अभी अभी एक भिखारी यहाँ से गया, कौन है वो? अरे 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 क्या बास मार रहा है डॉन, आपको घर की ड्रेस में पहचान नहीं पाए इसलिए नई यूनिफॉर्म में आपको पहचानना मुश्किल हो गया, उसके लिए माफ कर दीजिए, गलती हो गई। डॉन को पहचानने के लिए किसी यूनिफॉर्म की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। माना है तुमने भी नहीं पहचाना? सॉरी डॉन, मुझसे गलती। छोड़ो रहने दो, पूरे मलेशिया में मेरे नाम की दहशत थी लेकिन अब सब कुछ खत्म होते दिख रहा है। ऐसा क्यों डॉन? माना, यस डॉन, मैंने बहुत मेहनत से सब कुछ जमाया है, इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार था, भाई बहन थे, दोस्त यार थे, मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकता था लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं था। मगर ये सब कुछ इस लड़के ने करके दिखाया। इस लड़के की वजह से पूरे शहर में हमारी दहशत कम हो रही है। जब तक मैं पहले जैसा ना करूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सही कहा ना डॉन बॉय? ओके डॉन। हे, यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? मामा जो वैनिटी गेट तुम्हारा यूज कर रही है तुम ही देख लो। मामा मैं चली। ऐसा क्यों? वो उस वजह से? ठीक है, ओके। वैलेंटाइंस डे, वंडरफुल। चलो मैं रखती हूँ, मुझे जाना है, मैं ब्यूटी पार्लर जाके वहाँ से टिप टॉप बन के आऊंगी ना। ठीक है, बस निकल ही रही हूँ। और क्या? ए! आराम से, इतनी क्या जल्दी है आशीर्वाद लेने की? मैं क्यों लेने लगी आशीर्वाद? मेरा दिमाग मत खराब कर, औकात में रहे अपनी। ये आजकल के बच्चे भी बच्चे। ए, खाओ खाओ। ओके पापा। ऐसा है, इतने दिनों से खाना नहीं खाया इसीलिए। यस पा। खा ले खा ले। बॉइल लेके आए ना? हाँ, बॉइल है। मुझे याद है एक समय वो भी था जब हम बहुत मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, तब हमें जाकर एक वक्त का खाना नसीब होता था। खाओ खाओ बेटा, मुफ्त का खाना मिल रहा है ना, मजे लेके खाओ बेटा। क्यों बेटा, बाप की तकलीफें सुनकर खाना अलग से नीचे नहीं उतर रहा ना? इतना सुनाना था तो खिलाई क्यों पा? पा, अंकल आए। अंकल? कौन से अंकल? हाय अंकल। अंकल? हाँ। ए मधुसूदन। हाँ? ए मधुसूदन, ये क्या हाल बना रखा है? ए, कुछ तो बता। अरे बस ऐसे ही कर लिया बस। मैं इसको तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। चल इधर बैठ, बैठ जा। अरे बैठ जाना, तुझे इतनी जल्दी कहाँ जाना है? मधुसूदन सुनो बेटा। हाँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ? मधुसूदन की तकलीफों का तो कोई अंत ही नहीं है। कितनी बार बताओगे? सुनाया था ना, और सुनाऊंगा, और आगे भी सुनना पड़ेगा। मधुसूदन, हाँ? हम अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं और इन बच्चों को तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। जो भी मिलता है उसे सुनाते हैं। मधुसूदन, मैं वो दिन नहीं भूला हूँ जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ मलेशिया में आ गए थे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। अंकल का बहुत बड़ा घर था पर आंटी हमेशा के लिए चल बसी थी। एक दिन पूरे गांव ने इनको गांव से जाने के लिए कह दिया था। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही चाहूंगा। हम कल ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मलेशिया आ गए। मलेशिया आकर भी इसकी तकलीफें कम नहीं हुई। छह, ये बच्चा संभालते हुए मेहनत करना, रोड पर खड़े होकर खाना बनाना, सबके ऑर्डर ले जाकर उनको खाना देना, उस पे एक पिता का फर्ज, छोटे से कार्तिक को झूले में झुलाना और भाग भाग के काम करना कितना मुश्किल था। इसका अच्छा खासा काम चलने लगा था, दूसरों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने मधुसूदन के ठेले को बर्बाद करने की कोशिश की। ए, ए? चुपचाप चले जाए यहाँ से, सब बर्बाद कर देंगे। इधर आ। इसका इतना नुकसान करके इसके साथ मारपीट भी की। इतना सब कुछ सहकर भी ये एक शब्द नहीं बोला। कार्तिक बहुत किस्मत वाला है जो उसे ऐसा बाप मिला है जो दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। मैंने पापा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और मेरे लिए उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है,
आई लव हिम। मैं उन्हें खुशी देना चाहता हूं, लेकिन कैसे? यस, सुपर। पापा के लिए बेस्ट गिफ्ट माला जी ही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाय। हाय। आज का क्या प्लान है? करना क्या है? क्या मतलब? आज वैलेंटाइंस डे है ना? कार्तिक कुछ प्लान तो कर रहा था, तुम्हें नहीं पता? बड़ा गिफ्ट भी लिया है। ठीक है, ओके। वैलेंटाइंस डे। सॉरी। यहाँ ये नाना जी, आपको दिखाती हूँ। मम्मा की कहाँ दौड़ा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम इधर आओ। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइन डे। नाना जी कहाँ गए? पता नहीं। मैं यहाँ हूँ। हद है, इधर आइए। आता हूँ, आता हूँ। वहाँ छुप छुप के क्या देख रहे थे? क्या मिला वहाँ देख के? हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ हम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं मम्मा को ढूंढ रही हूँ। मम्मा, वो देखो वहाँ बैठी है। यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी माँ यहाँ क्यों बैठी है? कह रही हूँ ना, किसी का इंतजार कर रही है। कोई आने वाला है क्या? ध्यान से सुनिए, जो भी आएगा उसको और माँ को हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओके। वो खीर वाले भैया क्या? I love you, Deepa. Sorry. न जाने कितने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ और आप सॉरी कह रहे हैं। मैं आज कितने खुश हूँ। मामा। बेटा। I love you, पापा। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। सॉरी पापा। कम बेटा। सच कहे तो हमें मिलवाने के पीछे कार्तिक का बहुत बड़ा हाथ है। कार्तिक, तुमने एक परिवार को मिला दिया। थैंक यू बेटा, इस बात की खुशी है। थैंक यू कार्तिक। अरे अरे, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? इतना खुश हो गई क्या? नहीं, जहाँ लेके जा रही हूँ तब चलो, मैं नहीं सुनूंगी। अरे कहाँ लेकर जा रही हो लेकिन? I love you, Kartik. Bro, क्या देख रहे हो? देखते हैं क्या होता है। Wait. Thank you. Welcome. लगता है ये पागल हो गई है। अरे बाप रे। वो चुम्मा उसको दे रही है, तुझे नहीं। अरे रे पवित्रा, ये क्या कर रही हो? जो मुझे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्तिक, इतना भी नहीं समझते? अब क्या करूं? ओके, सॉरी। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो नहीं करूँगी। अगर तुम्हें गलत लगता है तो नहीं करूँगी। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो सॉरी सॉरी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तुम कार्तिक के साथ करना अच्छा लगेगा। शादी के पहले ये सब चीजें करना मुझे ठीक नहीं लगता। ए कार्तिक, मैंने तो गलत काम के लिए सॉरी कहा था। रुको तो। ये गलत है। ए कार्तिक, रुको ना। ए कार्तिक, रुको। क्या कर रही हो तुम? किस में? किस में? अरे ये सब नहीं, मैं नहीं करना चाहता। बच गया। बाप रे, अब कहाँ फंस गया रे? बेटा। हाँ, मैडम। डरो मत कार्तिक। क्या मुझे नहीं जानते हो तुम? क्या मतलब है आपका मैडम? मैं शादी करूंगी, घर संभालूंगी, हम सब साथ रहेंगे। किसके साथ मैडम? तुम्हारे पापा के साथ। अरे बाप रे। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है मैडम? ना 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 ना,
मैंने उन्हें पसंद किया उसका कारण है तुम्हारे पापा की सादगी और उनकी शराफत। मुझे बहुत भा गई है कार्तिक, और कल 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 ही तुम्हारे पापा ने रेस्टोरेंट में मुझे कॉफी देते समय वो बुके। लाइफ में लव की बहुत जरूरत होती है, अब प्रपोज करना यहाँ से तो बनता ही है। मधुसूदन विल मैरी यू। ऐसा काउंट करने की क्या जरूरत थी उन्हें? प्लीज अपने पापा के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं, वो कितने प्यारे इंसान हैं। उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत है कार्तिक, और वो साथ उन्हें जिंदगी भर मैं दूंगी। अरे पता नहीं कार्तिक को कौन ले गया। Hey, Bobby, darling! अंकल, 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 यस यस अंकल, कार्तिक तो मेरा बेटा है। अंकल, कार्तिक को किसी ने किडनैप कर लिया? किसने? बड़ी कार थी, गुंडे थे और माला। ओह माला जी, तो फिर कोई टेंशन नहीं। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी आसानी से कार्तिक ने मेरे मम्मी पापा को इतने सालों के बाद फिर से मिलवा दिया। अब मैं चलती हूँ अंकल, बाय। कोई बात अंकल, आई लव कार्तिक अंकल। सॉरी अंकल, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? आई एम श्योर, डेफिनेटली। वैसे तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया है। मैं कितनी पागल हूँ ये सब आपको बता रही हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है। अब मैं चलती हूँ अंकल, आपका बहुत समय ले लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर सब मेरा वेट कर रहे हैं। बाय अंकल। बाय। लाइफ में भी क्या मोड ले लिया है। पापा की लाइफ में भी कोई है और मेरी भी। अपनी शादी से पहले मुझे कार्तिक के बारे में सोचना है। वो खुश रहे, उसकी लाइफ में सुकून हो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आई लव यू पापा। कार्तिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना कार्तिक। जी ठीक है। आइए पापा। इतना अंधेरा क्यों है बेटा, क्या कर रहे हो? ये तो सही। लाइट। ये सब तुमने किया? आपको शक है क्या? सीरियसली? हाँ पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं। अरे आगे तो देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत कठिन है, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सच में एक बाप होना भी इतना आसान नहीं होता है। पापा, आपने बहुत किया है मेरे लिए, आप बैठिए, अब मेरी बारी है कुछ कर दिखाने की। बहुत दिन हो गए हमने बैठ के आराम से बातचीत नहीं की है, आज कर सकते हैं। पापा, आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट लेकर आया हूँ। पूरी लाइफ में खुशी और सुकून ही सुकून रहेगा। कौन सा गिफ्ट? वो डॉन की राइट हैंड वाली के बारे में। ओ, पापा क्या बात है। माला ने सब बता दिया मुझे। ये बताओ मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगा। क्यों पापा? तुम्हारी माँ आज भी मेरे साथ है। हाँ जानता हूँ बहुत अच्छे से। क्या पता है, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। उस चांद को देख के अपनी पूरी लाइफ गुजारोगे क्या? उसमें मुझे तुम्हारी माँ का चेहरा दिखाई देता है। ये सब अपनी जगह ठीक है, मगर आपकी लाइफ पार्टनर का क्या बताओ? माँ तो आसमान से उतर के आएगी नहीं, आपका अपना भी कोई जीवन साथी होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। माला जी परफेक्ट है। परफेक्ट है? पवित्रा भी उनको अच्छे से जानती है। और पवित्रा तुमसे प्यार करती है। आई नो। इतनी प्यारी घरेलू संस्कारी लड़की है वो। जाओ जाकर उसे प्रपोज करो। मुझे तो उसने सब आके पहले ही बता दिया है। तुमको क्या बताया? सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम साथ थे, लेकिन कार्तिक ने आई लव यू नहीं कहा, इसलिए डाउट। ओहो पागल हो क्या, ऐसे भी कोई बात करता है? पापा ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले माला जी का मैटर सुलझाते हैं। मैं अकेला ही खुश हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ बनाया है, सच कहूँ तो मेरे लिए सब कुछ तुम हो। मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा, पर कोई है जो आपसे बहुत प्यार करती है और यकीनन सारी जिंदगी आपका हमेशा साथ देगी। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब आपके लिए कुछ करने की मेरी बारी है। हम सब साथ खुश रहेंगे,
मेरे अपने माँ बाप भी तो होंगे और बेटा हमारा छोटा सा परिवार होगा। आपने कही मेरे दिल की बात। ठीक है ठीक है, सबसे पहले पवित्रा के घर जाओ और उसे अपने मन की बात बोल कर आओ, जल्दी जाओ। उसके घर जाने की जरूरत ही क्या है पापा, कल ही मुझे आके आई लव यू बोल गई है। कैसी बात कर रहे हो बेटे, जब तक तुम उससे कुछ कहोगे नहीं वो तुम्हारी बात कैसे समझेगी। पापा अगर प्यार सच्चा है ना तो उसने कहा क्या मैंने कहा क्या एक ही बात है। स्टॉप स्टॉप, आई लव यू। ये यहाँ पे खड़े होकर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? पूछ कर आता हूँ उससे। रुक जा, रेजिडेंस एरिया है। आई लव यू कार्तिक। बेटा बेटा मिटू कार्तिक। अरे बापे कार्तिक, उठो बेटा। अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पापा रात भर जागा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अरे बेटे, यहाँ तेरे बाप ने आई लव यू कहा और वो समझे कि मैं कार्तिक हूँ, मुझे तो अब सुसाइड करना पड़ेगा। सुसाइड करने के लिए सुबह का मुहूर्त ठीक नहीं होता। बेटा उठो ना बेटा। अरे क्या है पापा? अरे वो इधर ही आ रही है। वो कहाँ जा रहा है? पहले दोनों क्या करते हैं ये तो देख लें। अरे ये कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे 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 पापा 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 पापा। हाँ हेलो पापा, कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? पोर्ट डिक्सन। हम पोर्ट डिक्सन जा रहे हैं। है? पोर्ट डिक्सन किस लिए? वहाँ क्यों जा रहे हैं? डेटिंग। डेटिंग करने? हाँ क्या कहा, डेटिंग। आई एम वेरी हैप्पी कार्तिक, है ना? हाँ हैप्पी हैप्पी। पापा का पीछा करो। तुम्हें पीछे बैठ के अच्छा लग रहा है ना? पीछे बैठने के बजाय अगर जमीन पे मैं चलता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ये तो शुरुआत है। माला जी, माला जी यहाँ क्या कर रही है? बाप रे, पापा समझ के मेरे साथ कुछ कर दिया तो? अरे कहाँ गई? I'm here. हेलो, आप यहाँ कैसे? आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आप क्यों? मैं ही तो करूंगी। ओ, पापा ने कहा। कोई सीरियस बात तो नहीं? कार्तिक की वजह से डॉन के बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई है, सो कार्तिक के पीछे उनके गुंडे लगे हैं। लगने दो। अरे रे, कुछ होगा तो नहीं? नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। आप अकेली हैं यहाँ? बाकी दूसरे रूम में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मतलब? मुझे बाहर जाना है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं थोड़ा पानी पी लूं। काम है? मैं हूँ ना। देखिए मेरा गला सूख रहा है, जरा दो घूंट पी तो लूं पानी। मैं अभी पानी लेकर आई। मैंने सिर्फ पानी मांगा है। तुम्हें आके बैठो, मैं ऑर्डर करती हूँ। तुम उस तरफ बैठो, मैं ऑर्डर करता हूँ। अरे हे भगवान, अरे क्या कर रही हो? नहीं नहीं, पानी नहीं पीना, जूस ऑर्डर कर दीजिए। हे भगवान, मुझे इस लड़की से बचाओ, मैं सिद्धि विनायक जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा। आई वांट चिकन नूडल्स, डू यू हैव? एक जूस भेजना। ए, कार्तिक इस रूम में है, माला उस कमरे में, तुम इधर हो। तो बोलो क्या करना है? अच्छा मौका स्टार होटल जाने का। मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। बेटा आज तो तुम्हारी शामत आने वाली है, पता नहीं आगे तेरा क्या होगा, पर जो भी होगा झेलना तो पड़ेगा। हे भगवान, ये लड़की तो आज मेरा धर्म भ्रष्ट करने पर तुली है। गुड बॉय। अरे बाप रे, पता नहीं क्या करेगी। एक जूस में दो स्ट्रॉ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। ओ,
थोड़ा रोमांस तो बनता ही है ना। प्यास लग जाए तो जूस भी अच्छा लगता है। You're right. आपको पता है आप कितने handsome हैं। ओह सीरियसली? मैं पूछती हूँ ना। हे भगवान, ये तो जगह जगह छू रही है। इसको क्या पता कि मैं इसके होने वाले पति का बाप हूँ। बहस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, क्या समझे? बचा लो शिव शंभु। बगल की रूम में हनीमून मनाने के लिए एक नया कपल आया है। हम भी शादी के बाद यहीं आएंगे, क्या ख्याल है? पार्वती पति ये। हर हर महादेव। एक कार्तिक। शंभू शिवचंद्र। हर हर महादेव। मैं कहाँ हूँ? मिस्टर मधुसूदन। हर हर महादेव। कार्तिक। हर हर महादेव। बेटा जल्दी आगे चलो। अरे अपना जूस तो खत्म करके चाहिए। हेलो। माला तो डॉन के हाथ से निकल गई। डॉन बेचारा। शंभू शिव शंकर। हर हर महादेव। शंभू शिव शंकर। हर हर महादेव। शंभू शिव शंकर। कर रहे थे मधु भाई। कैसे हो? अरे बहुत बुरा हाल है हमारा। अरे रे, क्या बात कर रहे हो? आप पर तो स्वामी का आशीर्वाद है, ऐसी बात करना ठीक नहीं। उन्होंने तो आपको इतना चमौका दिया है। अरे बुढ़ापे में आपको जवान बना दिया तो मजे करो। अरे इससे बाहर निकलने को क्या रास्ता बताया अंकल ने? स्वामी जी ने हमारी अदला बदली की थी, अब वही ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी ने हम दोनों से बात की थी, उन बातों में ही कहीं इससे निकलने का हल हो। पानी को अगर अलग करने की कोशिश करोगे ना तो भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ये तो बाप बेटे का रिश्ता है, अपने बाप को दोस्त बना, एक सॉरी सब कुछ बदल देगा। ये सॉरी मैंने अपनी लाइफ में किसी को कभी सॉरी नहीं कहा। हाँ तो अभी बोल दो, इसमें क्या है, तुम्हारे पापा ही तो हैं। पापा को क्या सॉरी बोलना है अंकल, आप भी मजाक कर रहे हैं। पापा क्या हुआ बेटा? सॉरी पापा। नमस्कार सर, आप स्वामी ही हैं ना? स्वामी? हाँ मैं ही हूँ। कार्तिक ऑल ओके? हाँ ऑल ओके, बस अब इनको वापस चेंज कर दीजिए। हमें अपनी गलती समझ में आ गई है, जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत होती है वो भी हमें समझ में आ गया है स्वामी। पर अब बहुत हुआ स्वामी, हमें पहले जैसा कर दीजिए प्लीज। बस इतनी सी बात? हाँ। आप दोनों को हाँ एक ही समय पे एक साथ स्नान करना है। इतना ही स्नान करना? हाँ। स्वामी जी हमको फिर एक बार बीच पर जाने की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं, अपने बाथरूम में ही नहा लेना, वरना तुम बोलोगे समंदर को यहाँ लेके आओ। और हाँ शाम 6 के पहले स्नान करना है, अगर नहीं किया ना तो फिर एक साल बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जल्दी करो जल्दी। हाँ ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? अरे चलो चलो देखते हैं, पहले अंदर तो चलो। बबी पूरा केक चट कर गए पापा। ये तुम्हारे लिए केक रखा है, तुम दो हो और केक एक ही पीस है, दे दो। क्या दे दूं? केक। अरे वो तो मैंने कब का खा लिया। ओ तुम्हें बोलने की जरूरत थी। एक ही पीस बचा था, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। अब इनको कुछ और खिलाना पड़ेगा, चलो शुरू हो जाओ बॉयज। अरे मुझे नहीं, इनको खिलाना है। ओके डॉन। चलो उसको बाद में बचाते हैं, 6 बजने वाला है, जल्दी करना होगा। ठीक है चलिए। उसका पीछा करो। जितना सीधा समझता था उतना ये है नहीं। पता करो इसकी सेटिंग किसके साथ? आपकी माला के साथ। क्या माला? बाकी आप समझदार हैं।
एक लड़की भी नहीं संभाल पाया तू। ए हीरो, पूरे के पूरे मलेशिया में एक ही डॉन है, वो मैं हूँ। जब कुछ बोलता हूँ तो करके दिखाता हूँ, देखना चाहते हो तो देख लो। रुक जाओ, एक ही बार मारूंगा डॉन। गोली चलाने के लिए गोली डालनी पड़ती है। कभी हाथ में पकड़ी है? तेरे को आके देखता हूँ। तो आकर मेरा क्या करने वाला है? उससे मुझे कोई बचाने वाला है यहाँ पर? ये ऑटोमेटिक लॉक है, चाबी से ही खुलेगा। किसी को इसे खोलने के लिए बोलता हूँ, जान बचाना को पर लौट के बुद्धू को। बाहर से लॉक है, ले लो पानी पी लो। आइडिया, मैं किसी कमरे में बंद हो जाता हूँ। मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए? अरे बचाने आ तो गया ना, उसे बाद में देखना, पहले मुझे। क्यों, मुझसे डर गया क्या? बड़ा हीरो बन रहा था, मेरे सारे धंधे को बर्बाद कर दिया। सभी के मन से इस डॉन का डर खत्म कर दिया तूने। ये तो अपने बाप से भी 10 कदम आगे है। काटा नंबर 5, फ्लाइंग ईगल स्टाइल। अरे भाई आराम से मरो, ये बुड्ढा है, मर जाएगा। छुड़ाओ मुझे जल्दी। डॉन, एक आदमी से आप इतनी मार कैसे खा सकते हैं? आपको उठना पड़ेगा, उठ जाइए डॉन। देखिए डॉन, ये एक्शन का समय है। मुझे तो मार से रिएक्शन हो गया है। चिंता मत करो डॉन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं डॉन। ए, तू भी मार खाएगा क्या? मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं चला। कार्तिक, अब तुम जाने भी दो ना। ठीक है, माला की वजह से तुम्हें माफ कर देता हूँ। ये लोग मेरे। रुको, तुम मत बोलो, मुझे सब कुछ पता लग गया है, तुमने तो मुझे बताया नहीं। ये लोग तुम्हारे अपने हो गए हैं, अच्छा हुआ मैंने कुछ किया नहीं। तुम इनके साथ यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान से, ध्यान से। अरे अरे गिर गए। अरे छोड़ो छोड़ो उसे, डोंट टच। बोलो माला, बिल्कुल सच बोलना, बता दो इन लोगों को कि हमारा रिश्ता क्या है, बोलो। ये तो मेरे लिए नाना जी समान। कितना गिरेंगे? आज आग की वजह से ही मेरा बेटा बच गया। हमारा बेटा बच गया। प्लीज पा, मुझे मंजूर है। थैंक्स पा।
नूडल्स। हाँ या थैंक यू। थैंक यू मैम। हे कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? की कृपा है बेटा। हाँ हाँ वो तो है ही, पर माला जी का कैश काउंटर पे। वेलकम। ओह वाओ सुपर। पापा कहाँ हैं? पापा सामने हैं। हाय पापा। हाय बेटा। माला जी को कैश काउंटर देकर आपने बहुत अच्छा किया। वो वहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। बिल्कुल। अरे ये पीछे कौन है? अरे हमारे किचन में नया शेफ आया है, सुपर खाना बनाता है। डॉन मास्टर। जिसके साथ जिंदगी बितानी थी अब उसी के किचन में खाना बना रहा हूँ। तुम सच में बहुत पागल हो। सॉरी पब्ली। सॉरी क्यों? वो उस दिन तुम्हें घोंसा लग गया था ना, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो जाने दो, वो सब मैं भूल गई हूँ। इतनी जल्दी? प्यार में सब कुछ सही है, अभी तो शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। सच में? मम्मी प्रॉमिस? प्रॉमिस। डैडी प्रॉमिस? प्रॉमिस। नाना की कसम? प्रॉमिस। तो पापा। जा फिर पानी में। आप हर जगह विराजते हैं, हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। कार्तिक पवित्रा की शादी हो जाए, उनका संसार सदा सुखी रहे, मेरी बस यही विनती है आपसे।